आप डेंटिस्ट स्लैश वाइफ ही लिख देते, इन्फ्लुएंसर स्लैश वाइफ, मतलब आई डोंट फाइंड इट कि भाई मुझे वाइफ क्यों बनाया, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन और भी पहचान होती है औरतों की। तो वरीशा एक ऐसी बहू है जो कि हर सास चाहती है, क्योंकि जब क्या कहते हैं वरीशा ने जब घर में खाना बनाना शुरू किया तो मेरी अम्मा सरप्राइज हो गई कि यार अच्छा वरीशा को खाना बनाना भी आता है। मेरे अब्बा ने उस टाइम पे एक आता कि उनको उनकी अम्मी याद आ रही है। आई थिंक अज़ान बहुत टाइम से कंटेन कर रहे थे, वो हंसी में और इस चीज में उसको लेट गो करना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो बात ऐसी हो गई ही कुडंट कंट्रोल। तो वहां का आपको पता है मैं अपनी अम्मी से कितना अटैच। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अज़ान? वालेकुम अस्सलाम जी। भाई मैं तो 3 महीने की तरह से, रमजान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। भाई हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज की इफ्तारी हम आपके साथ करें, भाभी होंगी साथ में। हाँ स्वीट जी, बिल्कुल बिल्कुल, बेगम तो मेरे साथ ही होती है, बेगम ने कहा जाना है। तो ठीक है फिर, और बता दें इफ्तारी में आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से होगी इफ्तारी। अरे अरे आप बस आ जाए, बस अफतारी में क्या बोलूं, बस एक काम कीजिएगा, आते हुए जो है ना बस 2 ठंडी कोक लेकर आ जाइएगा। पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि इस रमजान सिर्फ रोजा ही नहीं दिल भी खोलना चाहिए हमें। तो बस जल्दी से आ जाए आप लोग, मैं फार्म के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी, बिल्कुल हम आ जाएंगे और फिर आपसे होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। चल जी, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। मुझे जो है इफ्तारी में आप चिकन चिलाजा दे दे, साथ में मुझे आप दे दीजिए चिकन पाए, ब्रेड रोल्स दे दीजिए, चिकन स्टिक्स दे दीजिए और समोसे दे दीजिए। और हाँ, कोक को कैसे भूल सकते हैं, उसके बगैर तो हर इफ्तार अधूरी है। इस रमजान कोका कोला ने रिस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अहम कदम उठाया है कि हर एक खरीदी हुई कोक के बदले कोका कोला करेगा एक मील डोनेट उन मुस्तहकीन को और मदद करेगा फ्लड से मुतासर हुए किसानों की। तो आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और फर्क मिटाएं, क्योंकि इस रमजान सिर्फ रोजे ही नहीं बल्कि दिल भी खोलें। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप द फेमस कपल? हम लोग ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, रमजान मुबारक। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक। मैं भाभी एक बात बताती चलूँ आपको, जब हम लास्ट ईयर आए थे तो इनकी पहली मोहब्बत से मिले थे और आज हम मिल रहे हैं इनकी। मुझे तो नहीं मिले थे। नहीं, हम पहली मोहब्बत से मिले थे, वो कौन थी? वो थी क्यारा। बकरियां मोहब्बतें भी इतनी है ना, क्या कह रहे हैं। हर बेगम, कहने का मकसद ये कि हर जानवर से मुझे बहुत मोहब्बत है और कोई मतलब नहीं है। तो आज आपकी असली मोहब्बत से मिलकर आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश, बहुत ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये शेर की आवाज है, आप कह रहे कोई बात बार नहीं है। अच्छा, ये इस तरह से क्यों गुर्रा रहे हैं? ये इनकी कॉल होती है। अच्छा हाँ, तो शेर जो कहते हैं ना कि शेर हाँ करके वो करता है, वो शेर ऐसा नहीं, शेर की ऐसी तरीके से। एक्चुअली आई थिंक वो मगरिब का अजान भी देता है ऐसा। नहीं वैसा तो नहीं है। अच्छा, और भाई मुझे आप जरा बताइए, तो फेमस भोला, इसके पीछे क्या कहानी थी, आपने क्यों गिफ्ट किया भाभी को भोला? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है ना, इसी बात से आप स्टार भी लीजिए। थैंक यू सो मच। ये रही आपकी कोका कोला, इसके बगैर तो स्टार क्या है? इट्स इनकम्प्लीट, बिल्कुल अधूरी है। थैंक यू सो मच। इसी बात पे आप पकड़ लेना, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा यार। बेसिकली मैंने जो भोला जो है वो इसलिए दिया था क्योंकि इनको जो है बेबी डोंकीज बहुत पसंद थे। ओ, और मुझे भी आपको पता है जैसे जानवर बहुत पसंद है, तो मैंने कहा यार वलीमे वाले दिन जो है बजाय इसके के गोल्ड दे। खैर वो भी दिया ऑफ कोर्स, बट एक ऐसा क्यूट जो है ना, मैंने सोचा कि बेबी डोंकी दिया जाए। जबरदस्त हो गया, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि भोला एक पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो हम बार बार इससे मिलने थोड़ी आते। Agreed. और दूसरी बात, अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो भोले की मदर है, अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं इसको वापस छोड़ देता, रखता क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है। और जब रेस्क्यूइंग की बात आ ही रही है, छोड़ने की और रेस्क्यू करने की बात आ रही है, तो आपने एक डोंकी को रेस्क्यू भी किया था जो कि रोड पे बहुत ज्यादा इंजर्ड था, आपने कॉल की थी और आपने रेस्क्यू करवाया था। जी बिल्कुल, वो दो डोंकीज थे, बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए थे, एक की बिल्कुल बहुत खून निकल रहा था और मैं बड़ा इंटरनल ब्लीडिंग था, और मैं बड़ा लकी फील करता हूँ अपने आप को, बिकॉज मेरे साथ वरीशा ने, मैं मीनवाइल जब गधे को उठा रहा था वहाँ पे, कोई नहीं उठा रहा था,
देखा देखिए काफी लोग आ गए। जब हमने गधे को उठाया मीन वाइल वरीशा जो एक रेस्क्यू सेंटर पे कॉल करके जो है बुला रही थी, तो एक बड़ी अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन भी थी और अल्लाह का शुक्र है वो दोनों गधे टाइमली रेस्क्यूड हो चुके हैं। वेरी नाइस। जब हेल्पिंग हैंड की बात हो ही रही है तो आप दोनों में से सबसे ज्यादा हेल्पिंग हैंड किन का है, क्योंकि सारी सी बात है यू बोथ हैव द सेम पर्सनालिटीज, एम आई राइट? ऐसे ही, लेकिन फिर भी आई वांट टू कैटेगराइज यू बोथ। दोनों का ही है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक हम लोग के बीच में उस मामले में डिफरेंस है। अगर कोई एक दिन एक चीज भूल जाता है कि हम सदका वगैरह में बहुत बिलीव करते हैं, तो अगर एक दिन मैं भूल जाऊँ तो अजलान के याद दिला देते हैं, और अगर अजलान भूल जाए तो मैं याद दिला देती हूँ। अक्सर हम लोग गुजर रहे होते तो मजलान को याद दिलाती है, हम खाना खिला दें, कुछ डोनेट कर दें, चैरिटी वगैरह हमारी चलती रहती है। एक्सेलेंट। और जब डोनेशन की बात हो ही रही है तो डू यू नो कि जो है कोका कोला ने रिक्स फाउंडेशन के साथ एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की है कि अगर आप एक कोक बाय करेंगे तो उसके बदले एक मील डोनेट होगा, और वो भी मुस्तहकीन को, और वो लोग जो फ्लड रिलीफ में जितने भी लोग मुतासर हुए उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। डू यू नो अबाउट दिस? जी जी बिल्कुल, हमें पता है, एंड ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि रमजान वैसे ही ऐसा महीना है जिसमें सब एक साथ जुड़ जाते हैं, तो इट्स समथिंग दैट विल मेक पीपल कम टुगेदर इवन मोर। सो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आप सबको भी जाके कोक खरीदनी चाहिए ताकि आप लोग एक मील डोनेट कर सकें। परफेक्ट, दैट इज सो नाइस। तो भाई जब डोनेशन की बात हो रही है और अच्छे काम की बात हो रही है, तो आपका रमजान फिर कितने अच्छे कामों में गुजरा है? कोशिश तो की है ज्यादा अच्छे काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, रमजान ऐसा है कि आपको है ना टाइम मिलता है कि आप अपने आप को रीस्टार्ट कर सके, अपने आप को जो है ना थोड़ा, जितना हम नेगेटिविटी की तरफ जब जा रहे होते हैं, यही मंथ एक ऐसा होता है कि हम अपने आप को थोड़ा सा ना रिफ्रेश कर लेते हैं। तो बड़ा ब्लेसिंग महीना है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबको चाहिए कि इस रमज़ान जो है ना थोड़ा अपना रोज़ा तो खोलते भी हैं, आप दिल भी खोलें आप दूसरों के लिए, और थोड़ा जो है ना प्यार मोहब्बत बांटें। और जैसे आपने भी कोक की बात की थी, मतलब कितना इजी है कि आपने सिर्फ एक बॉटल खरीदनी है, जो कि वैसे ही सब इतनी ज्यादा खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने एक बॉटल खरीदनी है और उसके बदले किसी का पेट भर जाएगा जो जरूरतमंद। वेरी नाइस, वेरी नाइस भाई। तो भाई जरूरतमंदों की भी बात हो रही है, एंड देन यू आर अ ह्यूमैनिटेरियन एज वेल, एंड यू आर एन एनिमल रेस्क्यू एक्टिविस्ट एज वेल। तो लोगों की मदद करते करते कभी होता है ना इंसान थोड़ा थक जाता है, थकते हैं, और एनिमल्स की मदद करके फिर इंसान कितना थकता है यार। देखिए थकता तो इंसान बहुत है, बट अगर सच बात बोलूं, ये भी एक तरह से आप चार्ज होते हैं। जब हमने एक बड़ी कॉलेज, जब हमने उसको रेस्क्यू किया था, जो दो डोंकीज को रेस्क्यू किया था, उसको रेस्क्यू करने के बाद ऐसा लगा कि हम बिल्कुल एक रिफ्रेश हो गए, क्योंकि हमने एक जिंदगी बचाने की कोशिश की। इवन दो उस वक्त बहुत इमोशनली ड्रेनिंग था, क्योंकि वो सिचुएशन देख के हमारे लिए बहुत अपसेटिंग था, लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि दे गेटिंग बेटर, तो हम लोग के लिए वो बहुत ही एक मतलब रिफ्रेशिंग फीलिंग। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वरीशा ने मुझे जिंदगी में दो बार रोते हुए देखा है। अच्छा, पहली बार में जब रोया था अब हमारे निकाह पे खुशी के आंसू थे, दूसरी बार मैं रोया था जब हम वो गधा रेस्क्यू कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे भी हम आते हैं। भाई आप क्यों रोए थे? क्योंकि आपने इंटरनेट को इंतहा की तरह शेक कर दिया था। मैं रोया क्यों था? अच्छा, ये एक ऐसी चीज है कि लड़कियों के लिए आप हैशटैग गोल मटेरियल से मैं बताता हूँ, बेसिकली मैं एक तो बहुत इमोशनल वैसे ही था, बिकॉज इंसान इंतजार करता है कि भाई उसका एक लाइफ पार्टनर आएगा, एंड जब मैं वरीशा से मिला था मेरा था कि यार माय लाइफ इज़ कंप्लीट। अब हमारा निकाह हुआ, फिर मेरे अब्बू मेरे बराबर बैठे हुए हैं, और मेरे अब्बा ने एक बड़ी इमोशनल बात कर दी थी जिसमें मैं था कि मैं रोऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी रोऊंगा, बट मेरे अब्बा ने उस टाइम पे ये कहा था कि उनको उनकी अम्मी याद आ रही। आई थिंक अजान बहुत टाइम से कंटेन कर रहे थे, वो हंसी में और इस चीज़ में उसको लेट गो करना चाह रहे थे, बट क्योंकि वो बात ऐसी हो गई, ही कुडंट कंट्रोल। तो वहाँ तो आपको पता है मैं अपनी अम्मी से कितना अटैच हूँ, मेरा ख्याल है हर बच्चा, हर लड़का जो है, हर औलाद जो है। मजे की बात है, मैं रोई नहीं निकाह पे, बिल्कुल मैं इसी पे आ रही थी, इतनी खुशी थी। तो हमें तो पता है कि व्हाई अजलान भाई चोज वरीशा, बट आई वांट टू नो इट फ्रॉम यू, व्हाट वर दोस थ्री क्वालिटीज? आई नो थ्री माइट बी लेस, लेकिन वो ऐसी तीन ऐसी क्या क्वालिटीज है जो आपके दिमाग में एक टंग हो गया एकदम से अजलान के लिए? यस। अच्छा, मैं वैसे ही इस बारे में सोच रही थी कि प्यार की कोई वजह नहीं होती, वो हो जाता है, तो आई कांट रियली, हम उसको किसी वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट अजलान जितने इम्परफेक्ट है मुझे उतने परफेक्ट लगते हैं। दैट्स एक्चुअली परफेक्टली वेल आंसर्ड, दैट इज वेरी नाइस। आई कांट पॉइंट इट डाउन, बट
I love everything about him. Very nice. Thank you, Begum. और आपका फोटो शूट वो भी बहुत एक मजेदार सी चीज थी, भरी एक एक्टिविटी भरी हुई चीज थी जो आपने मलका के साथ फोटो शूट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जब जहाँ मलका की बात करें वहाँ हम नूर जहाँ को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हम जितने भी लोग देख रहे हैं रमजान में आप लोग नमाज पढ़ते हो, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नूर जहाँ जो एलिफेंट है कराची जू के अंदर, उसके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकते हो करो कि अल्लाह ताला उसके हक में जो बेहतर फैसला है वो कर दें, तकलीफ़ में ना रहे। हम तो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, बट हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप जितने भी आप एनिमल लवर हो या ना हो, दो बोल बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा, तो प्लीज़ दुआ करना नूर जहाँ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और जब जानवर से मोहब्बत की बात आ रही, तो व्हेन वाज द टाइम दैट यू गॉट टू नो दैट शी इज आल्सो एन एनिमल लवर? अच्छा, मतलब क्या हुआ था? यू ऑलवेज टेल द स्टोरी, बट द थिंग इज आई हैव नेवर टोल्ड हिम दैट आई एम एन एनिमल लवर। मैंने कभी हमारी कॉन्वर्सेशन में कभी भी ये चीज नहीं आई थी। बिकॉज आई वॉज लाइक, इनसे और लड़कियां भी यही बोलती हैं कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, ये वो ये वो, तो मैंने इनको ये बात कभी बोली नहीं। मैं ही सी ऑन हिज ओन, तो ये मुझे एक दफा फार्म लेके आए थे, एंड देन ही रियलाइज कि अच्छा इसको तो किसी से डर नहीं लगता। हाँ, तो बकरियां ही मैंने इनको दिखाई थी सबसे पहले, और फिर उसके बाद व्हाट्स इन द बॉक्स हुआ। फिर व्हाट्स इन द बॉक्स हुआ, व्हाट्स इन द बॉक्स में उन्होंने छिपकली उठा के अपने हाथ पे रख ली थी। वहां मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी अम्मी को बहू मिल गई है, यही है जो रह सकती है मेरे साथ, इसके अलावा कोई नॉर्मल लड़की नहीं रह सकती। जबरदस्त भाई। और जब फैमिली की बात हो रही है, तो हाउ इज वरीशा विद द फैमिली एंड हाउ इज अजलान विद योर फैमिली? अगर मैं बोलूं आप बोल रही हैं? आप स्टार्ट करें। मैं समझता हूं कि वरीशा एक आइडियल बहू है, सही है, और माशाल्लाह ये एक ऐसा बहू गोल है। तो वरीशा एक ऐसी बहू है जो कि हर सास चाहती है, क्योंकि जब क्या कहते हैं वरीशा ने जब घर में खाना बनाना शुरू किया, तो मेरी अम्मा सरप्राइज हो गई कि यार अच्छा वरीशा को खाना बनाना भी आता है। वाओ। क्योंकि होता है ना कि यार नहीं ये कहाँ बना पाएगी लड़की, ये तो ये बड़ा सीन है। तो बस फिर उसके बाद अभी तक इनका जो फेवरेट खाना है जो कि इन्होंने आपको बना के खिलाया है, अभी तक ये आपके फेवरेट खाने बना रही हैं? नहीं नहीं नहीं, इन पे कोई पाबंदी नहीं है, इनका जब मूड होता है ये अपने हिसाब से जो ना अपनी मर्जी से जो भी बनाती है ना वो मैं खा लेता हूँ बगैर किसी शिकायत के। लेकिन of course, मैं सही खाना बनाती हूं। अब आप नहीं जाना बेहतरीन खाना बनाती हूं, कोई शक ही नहीं है यार। तो सबसे रीसेंट डिश जो इन्होंने बनाई हो जो के अच्छी गई। ब्रो इन्होंने कल एक मीठा बनाया था। ओके। और वो ऐसा मीठा था कि वो सीधे जाके दिल में ढस करके लगा था। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा जबरदस्त वो डिजर्ट था, मुझे उसका नाम नहीं पता क्या था, बट उसमें चॉकलेट थी, उसमें क्रीम थी, उसमें बिस्किट्स थे, और वो इतना कुछ ठंडा ठंडा, उसका कोई नाम है भी नहीं, because it's a random recipe. अच्छा। वो जो भी था वो बहुत जबरदस्त था, कल ही उन्होंने बनाया था। भाई मैं सबको बताती भी चलूं कि वरीशा इज अ डेंटिस्ट आल्सो एंड शी इज अ कंटेंट क्रिएटर एंड नाउ शी इज अ वाइफ एज वेल। जो है बड़ा आपको ये सब तो भूल गए थे वो लिखना, लेकिन उन्होंने वाइफ लिख दिया था आपको, तो आपको कैसा फील हुआ था उस वक्त? यार या वरीशा से पूछे कि उनको कैसा फील हुआ था, फिर मैं बता दूंगा। बिल्कुल वो बताया मुझे। अच्छा, तो जब मैंने वो देखा था, आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो हम दोनों ने एक साथ बोली, वाइफ क्यों लिखा है? क्योंकि उस शो में इवन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस भी यही किया था कि इन्फ्लुएंसर ये वो जो भी आप डेंटिस्ट स्लैश वाइफ भी लिख देते, इन्फ्लुएंसर स्लैश वाइफ, मतलब आई डोंट फाइंड इट कि भाई मुझे वाइफ क्यों बनाया, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन और भी पहचान होती है औरतों की, तो सिर्फ आई थिंक उसको औरतों को सेकेंडरी नहीं रखना चाहिए। तो मुझे भी ये हुआ था, मतलब मैं भी वो हो गया था, मैंने बोला यार ये क्या बात है, मतलब ऑफकोर्स इनफैक्ट इंटरव्यू में बात हो रही है कि वरीशा के फॉलोवर्स मुझसे ज्यादा हैं, ये इन्फ्लुएंसर हैं, फलाना निमकाना, बट वहाँ था कि वरीशा ब्रैकेट में वाइफ, आई थिंक जो आई थिंक जो लोग लिखते हैं उनको वो जो है उनसे शायद हो गया होगा, बट इट्स ओके, अब तो हो गया, अब तो हो गया। तो ऐसा नहीं कि किसी ने आपको बताया होगा या आपने उसके हवाले से कोई स्टोरी या कुछ इस तरह से पोस्ट नहीं करी? हाँ, आई डिड रीशेयर अ स्टोरी, बट आई डिडंट वांट टू मेक इट लाइक अ ह्यूज डील, बिकॉज़ अब वो हो गया था। सेकेंडली जो आर्टिकल्स भी जो हमारे शादी के बाद छपे हुए थे, मैं उस टाइम से ऑफेंडेड थी, मैंने हर चीज में लिखा हुआ है अजलान शाह गिफ्टेड हिज वाइफ। बड़ा बड़ा के हस्बैंड ऑफ वरीशा, ओह माशाल्लाह, दैट इज वेरी नाइस।
मेरी पहचान है आप। आपके साथ लिखना चाहिए था हस्बैंड है ना। हाँ मेरे साथ लिखते बिल्कुल बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ विद मिमिकिंग सदफ कंवर एम आई राइट। या दैट वाज दैट वाज एरा राइट। वो अब यू आर नॉट डूइंग इट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। नो आई थिंक वो मैंने बहुत लाइक कोविड के टाइम से ऐसे फन फन में बना दी थी बट आई डिडंट वांट टू मेक इट माय पहचान। अच्छा के मतलब ये सदफ कंवर की कॉपी है बस मुझे वो नहीं चाहिए था। ऑल द मिमिक्री हर किसी की बड़ी अच्छी करती है। ओह आप फिर तो आई गेस हम लोग दूर क्यों जा रहे हैं जरा इन्हीं करके दिखाने थोड़ी हमें मारूंगा क्या प्लीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं बोलना अभी यूट्यूब की वीडियो बना रहे तो उससे पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया तो कहते नहीं अब मैं नहीं बना रहा नाराज हो तो वैसे ऐसे रोस्ट कर रही थी वहां तो कैसे इंट्रो कैसे देते हैं ऐसे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है अजलान शाह आज मैं तुम लोग को बताऊंगा अलजाब्रा टोटल इसके बारे में। रोस्ट करती है मेरी नहीं बस क्या करें यार अब वो टैलेंटेड कर सकती है कुछ बोल भी नहीं सकती रहती भी हर वक्त साथ में तो अब इनसे ही मेरी बातें होने शुरू हो गई और साथ साथ ही रहते हैं साथ में आप लोगों ने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर लिया तो व्लॉगिंग वाला एक्सपीरियंस कैसा है क्योंकि डकी भी कर रहे हैं मास अफजल भी कर रहे हैं उसके बाद आप भी इसी लेन में आ गए तो वो डिफरेंशिएट कैसे करती है आपकी व्लॉगिंग सबसे। देखिए दो बातें पहली बात ये कि मैं पहले बनाता था एनिमल रिलेटेड कॉन्टेंट अब उस पर ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी थी तो मेरी ऑडियंस जो है ना थोड़ी हो गई थी कंफ्यूज हो गई थी अजलान भाई हमने तो आपको जानवरों के लिए सब्सक्राइब किया हुआ था भाभी कहाँ से आ गई तो उसकी वजह से हमने एक सेपरेट चैनल कर लिया। ऑब्वियसली ये भी कंटेंट क्रिएटर है इनको भी पता है कि भाई कैमरा किस तरीके से पकड़ते हैं एडिट किस तरीके से करते हैं ग्रेड किस तरीके से करते हैं तो इस वजह से हमने जो है ना वो एक चैनल सेपरेट कर लिया। ऑलरेडी जी बिल्कुल होने वाला है आप कोका-कोला निकाल लें ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर हैं ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमने कहा एक अलग ही चैनल बना लेते हैं वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जबरदस्त हो गया ये तो फिर। अच्छा एक बात बताएं जी कोका-कोला कौन से खाने के आइटम से ज्यादा अच्छी लगती है आप सवाल बिरयानी तो खैर बिरयानी बोल दिया लेकिन मैं कहूँगा कोका कोला हर चीज के साथ अच्छी लगती है। अच्छा मैं तो पीती हूँ बस आप एक दफा कोका कोला को बिल्कुल फ्रीज करके वो जो बिल्कुल स्पेशल है बिल्कुल बेस्ट एक्सीलेंट। तो अगर पूछा जाए कि आप में वो ऐसी कोका कोला वाली क्या पर्सनैलिटीज आप दोनों में आप बताइए कोका कोला की पर्सनैलिटी ये तो बड़ा आपने एवरीवन लाइक्स अस वेरी नाइस भाई अजान आपसे एक सवाल है जो कि हमेशा हर कोई करना चाहता है कराची वाइंस कम्प्लीटली छोड़ दी। कराची वाइंस मैंने कम्प्लीटली छोड़ दी है दोस्त नहीं छोड़े दोस्त वो लोग मेरे आज भी है बहुत अच्छी मेरी दोस्ती है बट कराची वाइंस जो एक प्लेटफॉर्म है उसका मैं पार्ट नहीं हूँ। फ्यूचर में अगर वो लोग कोई प्रोजेक्ट करेंगे और अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊँगा उनके पास बट हाँ मैं उसका प्रॉपर पार्ट नहीं हूँ मेरा अपना सेपरेट चैनल है वहाँ पर ज़्यादा। आपने सोचा है कि कुछ पॉडकास्ट आप स्टार्ट करेंगे या फिर आप लोग इसी पर रहेंगे? नहीं हम पॉडकास्ट बिल्कुल शुरू करेंगे मैंने पॉडकास्ट बीच में शुरू भी की हुई है हकीकत के नाम से जहाँ पे सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के हवाले से बात होती है बट हम भी एक पॉडकास्ट शुरू करेंगे कर सकते हैं कपल्स को बुला सकते हैं सारे शादीशुदा कपल आए वेरी नाइस। तो भाई कपल्स की बात हो रही है तो आप लोगों का फेवरेट कपल कौन है फेवरेट यूट्यूबर कपल हो गया हो या फिर इन रियलिटी कोई कौन सा फेवरेट है? टू बी ऑनेस्ट सारे हमारे फेवरेट हैं क्योंकि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चाहे गजम्फर और उनकी वाइफ हो चाहे रना सम उसकी वाइफ हो चाहे जुलकरनैन और उसकी वाइफ हो साद और अरूब हो एंड माज और उनकी वाइफ हो जितने भी कपल्स हैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट बनाते हैं ठीक है बहुत रिलेटेबल चीजें होता है जैसे हमारे एक छोटी सी मिसाल है हमारे घर में स्टील के ग्लास में जो है स्टील के जो है उसमें जो है पानी पिया जाता है तो लोग रिलेट करते हैं कमेंट करके बोले यार आप लोग स्टील के बर्तन में खाना खा रहे हैं तो ये लोग रिलेट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कंटेंट में कोई बुराई नहीं है देखना चाहिए और हमारा हर कोई कपल जो है वो फेवरेट है। एक्सीलेंट दीपिका रणवीर थोड़ा ज्यादा भाई अजान भी हो रही है और इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रमजान के हवाले से? सो हम इस रमज़ान ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्योंकि इतना बाबरकत महीना है तो जितनी नेकियां कर सकते हैं करें जिसमें से आई थिंक नंबर वन ये होगी कि जितनी आप डोनेट कर सकें अपनी ज़ात से आप जितने लोगों की मदद कर सकें करें एंड आई थिंक बहुत ही एक सिंपल तरीका ये है कि कोका कोला ने और रिस्क फाउंडेशन ने मिलकर एक मुहिम शुरू की है
जिसमें आपने सिर्फ एक कोक की बॉटल लेनी है और इस कोक की बॉटल के बदले एक मील जो है जो जरूरतमंद होगी उसको जो है वो डोनेट की जाएगी। एंड ये लोग फ्लड के मुतासरीन को भी हेल्प कर रहे हैं, और ना सिर्फ किसान भाइयों को बट उन लोगों को भी जो कि नॉर्मल इफ्तारी नहीं कर सकते या नॉर्मल सहरी नहीं कर सकते, उन लोग के लिए दस्तरखान लगा रहे हैं जगह जगह पे, विच आई थिंक बहुत ही अच्छी ये बहुत सिंपल है एग्जैक्टली। हाँ तो आप कोक तो पीते ही हैं, तो इस बहाने आप कोक भी पी लेंगे, मतलब आप ये किसी की मदद भी हो जाएगी। एक बॉटल खरीद के आप किसी का पेट भर देंगे, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है हमारा मैसेज आप सबके लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारा आज का इफ्तार स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म। तो एवरीबडी प्लीज बाय अ कोक एंड डोनेट अ मील। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर हैविंग अस। खुदा हाफिज़।